लैला मजनू। लैला मजनू 1976 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशक हरनाम सिंह रेवल ने किया है और इसमें ऋषि कपूर, रंजीता और डैनी डेंजो कपका मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत मदन मोहन और जयदेव ने दिया है। लैला और मजनू की कथा के आधार पर यह दो स्टार पार प्रेमियों की कहानी बताती है। लैला एक राजकुमारी और कैस उर्फ मजनू एक आम आदमी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं हरमान सिंह रवेली। यह फिल्म आबार अलवी द्वारा लिखित और अंजना इवेल हरमान सिंह रवेल ने भी इसमें अपना हिस्सा लिया है। इस फिल्म के निर्माता राम ईपू शीरू दरियानी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है ऋषि कपूर, रंजीत कौर, डेनी डेंजो कपा। इस फिल्म में छायाकान की है जेपी सिंह ने और यह फिल्म श्याम राजपूत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदमोहन जयदेव ने और यह फिल्म डीलक्स फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 11 नवंबर 1976 जो कि भारत में रिलीज हुई है और इसका कार्यकारी समय 141 मिनट है। यह देशों भारत, पश्चिमी जर्मनी, सोवियत संघ में रिलीज की गई है। इसकी भाषा हिंदुस्तानी है। लैला मजनू ने रंजीता की शुरुआत की। 1976 में रिलीज होने पर इसे फिल्म समीक्षकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म की जबरदस्त सफलता ने ऋषि कपूर की स्थिति को एक बैंकेबल स्टार के रूप में मजबूत किया। बॉबी में अपनी शुरुआत के बाद लैला मजनू ने पहले उन्हें कभी कभी में अपवाद के साथ कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। हालांकि इस फिल्म की सफलता का श्रेय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन को दिया गया है। 1996 में रिलीज होने के बाद लैला मजनू को एक कल्ट क्लासिक के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। लैला और उसका प्रेमी मजनू जिसे कैस के नाम से भी जाना जाता है, यह द्विवेदी कुलों अमरी और शारवासियों के लिए पैदा हुए थे। दोनों एक दूसरे को बच्चों की तरह प्यार करते थे। उनका प्यार ऐसा था कि एक को चोट लगी तो दूसरे से खून बहने लगा। फिल्म में बताया गया है कि मदरसे में बच्चों के रूप में मौलवी ने अपनी स्लेट पर अल्लाह का नाम लिखने के लिए कैसे कहते हैं। लैला के ख्यालों में खोई केस और उसकी जगह अपना नाम लिख देती है। बदले में एक नाराज मौलवी उसके हाथ पर बैत मार देता है लेकिन लैला के हाथ से खून निकलने लगता है। इस तरह की घटना जंगल की आग की तरह फैलती है और लैला के पिता अपनी बेटी की प्रतिष्ठा के लिए डरे हुए हैं, उसे स्कूल जाने से रोकने का फैसला करते हैं। दो कबीले के मुखिया अपने बच्चों को अलग अलग करने का फैसला करते हैं क्योंकि उनके लिए यह कल्पना करना असंभव है कि सरवारियों और अमरियों को कभी खून के बजाय प्यार से जोड़ा जाए। कई साल बाद कैश और उसके दोस्त ऊंट खरीदने के लिए लैला के शहर जाते हैं और दोनों प्रेमियों में फिर से मिलने के लिए मंच तैयार है। एक दिन बाजार में वे एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी पहली नज़र का प्यार है उन दोनों के लिए। वे एक दूसरे से गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं फिर से, लेकिन खलनायक लैला के गर्म स्वभाव वाले भाई तब्रेज के रूप में अपनी एंट्री करता है। दूसरे ही उसकी पहचान न जानने के कारण उसका पहले से ही कैश के साथ विवाद हो चुका है। घटनाओं के क्रम में तब्रेज के हाथों कैश के पिता की मृत्यु हो जाती है। कैश बदले में तब्रेज की हत्या करके उसके पिता की हत्या का बदला लेता है। वह शहर से निर्वासित है और टीलों में भटकता है। एक पागल की तरह अपनी प्रिय की एक झलक के लिए प्यासा। इसी बीच लैला की शादी एक राजकुमार बख्श डैनी से हो जाती है। कैश के लिए उसके प्यार को जानकर वह उससे दूरी बनाए रखने का वादा करता है। जब तक कि वह लैला के दिल में मजनू की जगह नहीं ले पाता, उससे पहले के अन्य सभी लोगों की तरह वह लैला और मजनू के लगभग दिव्य प्रेम को समझने में असमर्थ है जब वह करता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के फैंगना के विषय में। मजनू कैस अलमरी के रूप में ऋषि कपूर, लैला के रूप में रंजीता कौर, डेनी डेंगजोंग कपा, प्रिंस मागतो के रूप में फिरोज। फिल्म का संगीत मदन मोहन जयदेव ने दिया है जो बोल साहिल उद्यानवी के हैं।
चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीतों के विषय में। हुस्न हाजिर है जिसकी गायिका है लता मंगेशकर, तेरे दर पे आया हूँ जिसकी गायक है मोहम्मद रफ़ी, हो के मायूस तेरे दर से मोहम्मद रफ़ी, आसीज़ नाजान शंकर संभो अंबर कौर और कोरस, क्या रेशमी पाजेब की झंकार मोहम्मद रफ़ी लैला मजनू, बर्बाद मोहब्बत की दुआ मोहब्बत रफ़ी, अब अगर हमसे खुदा भी मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर, ये दीवाने की जिद है अपने मोहम्मद रफ़ी, लिख कर तेरा नाम ज़मीन पर मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर। लैला मजनू दो बदन एक जान थे, उस्ताद राजकुमार रिजवी अनुराधा पौडवाल प्रीति सागर, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को लता मंगेशकर। फिल्म के गाने हिट रहे थे, खासकर क्या रेशमी पाजेब की झंकार, तेरे दर पे आया हूँ, बर्बाद मोहब्बत की दुआ और हुस्न हाजिर है। हुस्न हाजिर है बिना का गीत माला की वार्षिक सूची 1977 में भी नंबर एक पर पहुंच गया था। मदन मोहन द्वारा रचित गीत की दुर्लभता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के रिसेप्शंस के विषय में। अनेक ग्रोवचेस 29 जुलाई 2005 को हमेशा के लिए मलकाम टेलीग्राम 29 अप्रैल 2007 को लिया गया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को और जिनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 के हुई है, यह एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित के पुरस्कारों से प्राप्त करता है। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ है और इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ है। इनकी शिक्षा मायो कोरिस हसवेर में पूरी की गई है। यह व्यवसाय से अभिनेता फिल्म निर्देशक फिल्म निर्माता रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1970 से 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर बेटा रिद्धिमा कपूर शाहनी। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता हैं और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता हैं। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में एक किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में अपनी पहली भूमिका निभाने के बावजूद उन्होंने लैला मजनू 1976 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशक हरनाम सिंह रेवल ने किया है और इसमें ऋषि कपूर रंजीता और डैनी डेंजो कपका मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत मदन मोहन और जयदेव ने दिया है। लैला और मजनू की कथा के आधार पर यह 2 स्टार पार प्रेमियों की कहानी बताती है। लैला एक राजकुमारी और कैस उर्फ मजनू एक आम आदमी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं हरमान सिंह रवेली। यह फिल्म आबार अलवी द्वारा लिखित और अंजना इवेल हरमान सिंह रवेल ने भी इसमें अपना हिस्सा लिया है। इस फिल्म के निर्माता राम ईपू शीरू दरियानी हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है ऋषि कपूर रंजीत कौर डेनी डेंजो कपा। इस फिल्म में छायाकान किए हैं जेपी सिंह ने और यह फिल्म श्याम राजपूत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन जयदेव ने और यह फिल्म डीलक्स फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 11 नवंबर 1976 जो कि भारत में रिलीज हुई है और इसका कार्यकारी समय 141 मिनट है। यह देशों भारत पश्चिमी जर्मनी सोवियत संघ में रिलीज की गई है। इसकी भाषा हिंदुस्तानी है। लैला मजनू ने रंजीता की शुरुआत की। 1976 में रिलीज होने पर इसे फिल्म समीक्षकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म की जबरदस्त सफलता ने ऋषि कपूर की स्थिति को एक
बैंकेबल स्टार के रूप में मजबूत किया। बॉबी में अपनी शुरुआत के बाद लैला मजनू ने पहले उन्हें कभी कभी में अपवाद के साथ कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। हालांकि इस फिल्म की सफलता का श्रेय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन को दिया गया है। 1996 में रिलीज होने के बाद लैला मजनू को एक कल्ट क्लासिक के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। लैला और उसका प्रेमी मजनू, जिसे कैस के नाम से भी जाना जाता है, यह द्विपदी कुलो अमरी और शारवासियों के लिए पैदा हुए थे। दोनों एक दूसरे को बच्चों की तरह प्यार करते थे। उनका प्यार ऐसा था कि एक को चोट लगी तो दूसरे से खून बहने लगा। फिल्म में बताया गया है कि मदरसे में बच्चों के रूप में मौलवी ने अपनी स्लेट पर अल्लाह का नाम लिखने के लिए कैसे कहते हैं। लैला के ख्यालों में खोई केस और उसकी जगह अपना नाम लिख देती है। बदले में एक नाराज मौलवी उसके हाथ पर बैत मार देता है, लेकिन लैला के हाथ से खून निकलने लगता है। इस तरह की घटनाएं जंगल की आग की तरह फैलती है और लैला के पिता अपनी बेटी की प्रतिष्ठा के लिए डरे हुए हैं, उसे स्कूल जाने से रोकने का फैसला करते हैं। दो कबीले के मुखिया अपने बच्चों को अलग अलग करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके लिए यह कल्पना करना असंभव है कि सरवारियों और अमरियों को कभी खून के बजाय प्यार से जोड़ा जाए। कई साल बाद कैश और उसके दोस्त ऊंट खरीदने के लिए लैला के शहर जाते हैं और दोनों प्रेमियों में फिर से मिलने के लिए मंच तैयार है। एक दिन बाजार में वे एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी पहली नज़र का प्यार है उन दोनों के लिए। वे एक दूसरे से गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं फिर से, लेकिन खलनायक लैला के गर्म स्वभाव वाले भाई तब्रेज के रूप में अपनी एंट्री करता है। दूसरे ही उसकी पहचान न जानने के कारण उसका पहले से ही कैश के साथ विवाद हो चुका है। घटनाओं के क्रम में तब्रेज के हाथों कैश के पिता की मृत्यु हो जाती है। कैश बदले में तब्रेज की हत्या करके उसके पिता की हत्या का बदला लेता है। वह शहर से निर्वासित है और टीलों में भटकता है। एक पागल की तरह अपनी प्रिय की एक झलक के लिए प्यासा। इसी बीच लैला की शादी एक राजकुमार बख्श डैनी से हो जाती है। कैश के लिए उसके प्यार को जानकर वह उससे दूरी बनाए रखने का वादा करता है। जब तक कि वह लैला के दिल में मजनू की जगह नहीं ले पाता, उससे पहले के अन्य सभी लोगों की तरह वह लैला और मजनू के लगभग दिव्य प्रेम को समझने में असमर्थ है, जब वह करता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंगना के विषय में। मजनू कैस आलमरी के रूप में ऋषि कपूर, लैला के रूप में रंजीत ठाकुर, डेनी डेंगजोंगपा, प्रिंस मागतो के रूप में फिरोज। फिल्म का संगीत मदन मोहन जयदेव ने दिया है, जो बोल साहिल लुधियानवी के हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीतों के विषय में। हुस्न हाजिर है, जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी। तेरे दर पे आया हूँ, जिसकी गायक है मोहम्मद रफ़ी। होके मायूस तेरे दर से, मोहम्मद रफ़ी, आशीज नाजान, शंकर शंभो, अंबर कौर और कोरस। क्या रेशमी पाजेब की झंकार, मोहम्मद रफ़ी, लैला मजनू। बर्बाद मोहब्बत की दुआ, मोहम्मद रफ़ी। अब अगर हमसे खुदा भी, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकरी। ये दीवाने की जिद है अपने, मोहम्मद रफ़ी। लिख कर तेरा नाम ज़मीन पर, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर। लैला मजनू दो बदन एक जान थे, उस्ताद राजकुमार रिजवी, अनुराधा पौडवाल, प्रीति सागर। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, लता मंगेशकर। फिल्म के गाने हिट रहे थे, खासकर क्या रेशमी पाजेब की झंकार, तेरे दर पे आया हूँ, बर्बाद मोहब्बत की दुआ और हुस्न हाजिर है। हुस्न हाजिर है बिना का गीत माला की वार्षिक सूची 1970 में भी नंबर एक पर पहुंच गया था। मदन मोहन द्वारा रचित गीत की दुर्लभता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के रिसेप्शन के विषय में। अनेक ग्रोवचस 29 जुलाई 2005 को हमेशा के लिए, मलकाम टेलीग्राम 29 अप्रैल 2007 को लिया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर,
ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को और जिनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 के हुई है, यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित के पुरस्कारों से प्राप्त करता है। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ है और इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ है। इनकी शिक्षा मायो कॉलेज हसवेर में पूरी की गई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1970 से 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर बेटा, रिद्धिमा कपूर शाहनी। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता हैं और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता हैं। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में एक किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिससे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में अपनी पहली भूमिका निभाने के बावजूद उन्होंने लैला मजनू 1976 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक हरनाम सिंह रेवल ने किया है और इसमें ऋषि कपूर, रंजीता और डैनी डेंजो कपका मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत मदन मोहन और जयदेव ने दिया है। लैला और मजनू की कथा के आधार पर यह 2 स्टार पार प्रेमियों की कहानी बताती है। लैला एक राजकुमारी और कैस उर्फ मजनू एक आम आदमी है। चले दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं हरमान सिंह रवेली। यह फिल्म आबार अलवी द्वारा लिखित और अंजना इवेल, हरमान सिंह रवेल ने भी इसमें अपना हिस्सा लिया है। इस फिल्म के निर्माता राम ईपू शीरू दरियानी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है ऋषि कपूर, रंजीत कौर, डेनी डेंजो कपा। इस फिल्म में छायाकान की है जेपी सिंह ने और यह फिल्म श्याम राजपूत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन जयदेव ने और यह फिल्म डीलक्स फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 11 नवंबर 1976 जो कि भारत में रिलीज हुई है और इसका कार्यकारी समय 141 मिनट है। यह देशों भारत, पश्चिमी जर्मनी, सोवियत संघ में रिलीज की गई है। इसकी भाषा हिंदुस्तानी है। लैला मजनू ने रंजीता की शुरुआत की। 1976 में रिलीज होने पर इसे फिल्म समीक्षकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म की जबरदस्त सफलता ने ऋषि कपूर की स्थिति को एक बैंकेबल स्टार के रूप में मजबूत किया। बॉबी में अपनी शुरुआत के बाद लैला मजनू ने पहले उन्हें कभी कभी में अपवाद के साथ कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। हालांकि इस फिल्म की सफलता का श्रेय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन को दिया गया है। 1996 में रिलीज होने के बाद लैला मजनू को एक कल्ट क्लासिक के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। लैला और उसका प्रेमी मजनू, जिसे कैस के नाम से भी जाना जाता है, यह द्विवेदी कुलों अमरी और शारवासियों के लिए पैदा हुए थे। दोनों एक दूसरे को बच्चों की तरह प्यार करते थे। उनका प्यार ऐसा था कि एक को चोट लगी तो दूसरे से खून बहने लगा। फिल्म में बताया गया है कि मदरसे में बच्चों के रूप में मौलवी ने अपनी स्लेट पर अल्लाह का नाम लिखने के लिए कैसे कहते हैं। लैला के ख्यालों में खोई केस और उसकी जगह अपना नाम लिख देती है। बदले में एक नाराज मौलवी उसके हाथ पर बैत मार देता है, लेकिन लैला के हाथ से खून निकलने लगता है। इस तरह की घटना जंगल की आग की तरह फैलती है और लैला के पिता अपनी बेटी की प्रतिष्ठा के लिए डरे हुए हैं, उसे स्कूल जाने से रोकने का फैसला करते हैं। दो कबीले के मुखिया अपने बच्चों को अलग अलग करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके लिए यह कल्पना करना असंभव है कि सरवारियों और अमरियों को कभी खून के बजाय प्यार से जोड़ा जाए। कई साल बाद कैश और उसके दोस्त ऊंट खरीदने के लिए
लैला के शहर जाते हैं और दोनों प्रेमियों में फिर से मिलने के लिए मंच तैयार है। एक दिन बाजार में वे एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी पहली नज़र का प्यार है उन दोनों के लिए। वे एक दूसरे से गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं फिर से, लेकिन खलनायक लैला के गर्म स्वभाव वाले भाई तब्रेज के रूप में अपनी एंट्री करता है। दूसरे ही उसकी पहचान न जानने के कारण उसका पहले से ही कैश के साथ विवाद हो चुका है। घटनाओं के क्रम में तब्रेज के हाथों कैश के पिता की मृत्यु हो जाती है। कैश बदले में तब्रेज की हत्या करके उसके पिता की हत्या का बदला लेता है। वह शहर से निर्वासित है और टीलों में भटकता है। एक पागल की तरह अपनी प्रिय की एक झलक के लिए प्यासा। इसी बीच लैला की शादी एक राजकुमार बख्श डैनी से हो जाती है। कैश के लिए उसके प्यार को जानकर वह उससे दूरी बनाए रखने का वादा करता है। जब तक कि वह लैला के दिल में मजनू की जगह नहीं ले पाता, उससे पहले के अन्य सभी लोगों की तरह वह लैला और मजनू के लगभग दिव्य प्रेम को समझने में असमर्थ है जब वह करता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंगना के विषय में। मजनू कैस आलमगीर के रूप में ऋषि कपूर, लैला के रूप में रंजीत कपूर, डेनी डेंगजोंगपा, प्रिंस मागतो के रूप में फिरोज। फिल्म का संगीत मदन मोहन जयदेव ने दिया है, जो बोल साहिल उद्यानवी के हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीतों के विषय में। हुस्न हाजिर है, जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी। तेरे दर पे आया हूँ, जिसकी गायक है मोहम्मद रफ़ी। होके मायूस तेरे दर से मोहम्मद रफ़ी, आशीज, नाजान, शंकर शंभू, अंबर कौर और कोरस। क्या रेशमी पाजेब की झंकार मोहम्मद रफ़ी, लैला मजनू, बर्बाद मोहब्बत की दुआ मोहब्बत रफ़ी, अब अगर हमसे खुदा भी मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकरी। ये दीवाने की जिद है अपने मोहम्मद रफ़ी, लिख कर तेरा नाम ज़मीन पर मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर। लैला मजनू दो बदन एक जान थे, उस्ताद राजकुमार रिजवी, अनुराधा पौडवाल, प्रीति सागर। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, लता मंगेशकर। फिल्म के गाने हिट रहे थे, खासकर क्या रेशमी पाजेब की झंकार, तेरे दर पे आया हूँ, बर्बाद मोहब्बत की दुआ और हुस्न हाजिर है। हुस्न हाजिर है बिना का गीत माला की वार्षिक सूची 1977 में भी नंबर एक पर पहुंच गया था। मदन मोहन द्वारा रचित गीत की दुर्लभता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के रिसेप्शंस के विषय में। अनेक ग्रोवचेस 29 जुलाई 2005 को हमेशा के लिए मलकाम टेलीग्राम 29 अप्रैल 2007 को लिया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को और जिनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 के हुई है, यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित के पुरस्कारों से प्राप्त करता है। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ है और इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ है। इनकी शिक्षा मायो कोरिस हसवेर में पूरी की गई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1970 से 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर बेटा, रिद्धिमा कपूर शाहनी। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता हैं और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता हैं। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में एक किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में अपनी पहली भूमिका निभाने के बावजूद उन्होंने लैला मजनू 1976 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है।
जिसका निर्देशक हरनाम सिंह रेवल ने किया है और इसमें ऋषि कपूर, रंजीता और डैनी डेंजो कपका मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत मदन मोहन और जयदेव ने दिया है। लैला और मजनू की कथा के आधार पर यह दो स्टार पार प्रेमियों की कहानी बताती है। लैला एक राजकुमारी और कैस उर्फ मजनू एक आम आदमी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं हरमान सिंह रवेली। यह फिल्म आबार अलवी द्वारा लिखित और अंजना इवेल हरमान सिंह रवेल ने भी इसमें अपना हिस्सा लिया है। इस फिल्म के निर्माता राम ईपू शीरू दरियानी हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है ऋषि कपूर, रंजीत कौर, डेनी डेंजो कपा। इस फिल्म में छायाकान किए हैं जेपी सिंह ने और यह फिल्म श्याम राजपूत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन जयदेव ने और यह फिल्म डीलक्स फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 11 नवंबर 1976 जो कि भारत में रिलीज हुई है और इसका कार्यकारी समय 141 मिनट है। यह देशों भारत, पश्चिमी जर्मनी, सोवियत संघ में रिलीज की गई है। इसकी भाषा हिंदुस्तानी है। लैला मजनू ने रंजीता की शुरुआत की। 1976 में रिलीज होने पर इसे फिल्म समीक्षकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म की जबरदस्त सफलता ने ऋषि कपूर की स्थिति को एक बैंकेबल स्टार के रूप में मजबूत किया। बॉबी में अपनी शुरुआत के बाद लैला मजनू ने पहले उन्हें कभी कभी में अपवाद के साथ कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। हालांकि इस फिल्म की सफलता का श्रेय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन को दिया गया है। 1996 में रिलीज होने के बाद लैला मजनू को एक कल्ट क्लासिक के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। लैला और उसका प्रेमी मजनू, जिसे कैस के नाम से भी जाना जाता है, यह द्विपदी कुलों अमरी और शारवासियों के लिए पैदा हुए थे। दोनों एक दूसरे को बच्चों की तरह प्यार करते थे। उनका प्यार ऐसा था कि एक को चोट लगी तो दूसरे से खून बहने लगा। फिल्म में बताया गया है कि मदरसे में बच्चों के रूप में मौलवियों ने अपनी स्लेट पर अल्लाह का नाम लिखने के लिए कैसे कहते हैं। लैला के ख्यालों में खोई केस और उसकी जगह अपना नाम लिख देती है। बदले में एक नाराज मौलवी उसके हाथ पर बैत मार देता है, लेकिन लैला के हाथ से खून निकलने लगता है। इस तरह की घटनाएं जंगल की आग की तरह फैलती है और लैला के पिता अपनी बेटी की प्रतिष्ठा के लिए डरे हुए हैं, उसे स्कूल जाने से रोकने का फैसला करते हैं। दो कबीले के मुखिया अपने बच्चों को अलग अलग करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके लिए यह कल्पना करना असंभव है कि सरवारियों और अमरियों को कभी खून के बजाय प्यार से जोड़ा जाए। कई साल बाद कैश और उसके दोस्त ऊंट खरीदने के लिए लैला के शहर जाते हैं और दोनों प्रेमियों में फिर से मिलने के लिए मंच तैयार है। एक दिन बाजार में वे एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी पहली नज़र का प्यार है उन दोनों के लिए। वे एक दूसरे से गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं फिर से, लेकिन खलनायक लैला के गर्म स्वभाव वाले भाई तब्रेज के रूप में अपनी एंट्री करता है। दूसरे ही उसकी पहचान न जानने के कारण उसका पहले से ही कैश के साथ विवाद हो चुका है। घटनाओं के क्रम में तब्रेज के हाथों कैश के पिता की मृत्यु हो जाती है। कैश बदले में तब्रेज की हत्या करके उसके पिता की हत्या का बदला लेता है। वह शहर से निर्वासित है और टीलों में भटकता है। एक पागल की तरह अपनी प्रिय की एक छलक के लिए प्यासा। इसी बीच लैला की शादी एक राजकुमार बख्श डैनी से हो जाती है। कैश के लिए उसके प्यार को जानकर वह उससे दूरी बनाए रखने का वादा करता है। जब तक कि वह लैला के दिल में मजनू की जगह नहीं ले पाता, उससे पहले के अन्य सभी लोगों की तरह वह लैला और मजनू के लगभग दिव्य प्रेम को समझने में असमर्थ है, जब वह करता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंगना के विषय में। मजनू कैस आलमरी के रूप में ऋषि कपूर, लैला के रूप में रंजीता कौर, डेनी डेंगजोंग कपा, प्रिंस मागतो के रूप में फिरोज। फिल्म का संगीत मदन मोहन जयदेव ने दिया है, जो बोल साहिल उद्यानवी के हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीतों के विषय में। हुस्न हाजिर है, जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी।
तेरे दर पे आया हूँ। जिसकी गायक है मोहम्मद रफ़ी, होके मायूस तेरे दर से मोहम्मद रफ़ी, आसीज़, नाजान, शंकर संबो, अंबर कौर और कोरस। क्या रेशमी पाजेब की झंकार मोहम्मद रफ़ी, लैला मजनू, बर्बाद मोहब्बत की दुआ मोहम्मद रफ़ी, अब अगर हमसे खुदा भी मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकरी। ये दीवाने की जिद है अपने मोहम्मद रफ़ी, लिख कर तेरा नाम ज़मीन पर मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर। लैला मजनू दो बदन एक जान थे, उस्ताद राजकुमार रिजवी, अनुराधा पौडवाल, प्रीति सागर। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, लता मंगेशकर। फिल्म के गाने हिट रहे थे, खासकर क्या रेशमी पाजेब की झंकार, तेरे दर पे आया हूँ, बर्बाद मोहब्बत की दुआ और हुस्न हाजिर है। हुस्न हाजिर है बिना का गीत माला की वार्षिक सूची 1977 में भी नंबर एक पर पहुंच गया था। मदन मोहन द्वारा रचित गीत की दुर्लभता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के रिसेप्शन के विषय में। अनेक ग्रोवर्स 29/16/2005 को हमेशा के लिए, मलकाम टेलीग्राम 29/17/2007 को लिया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को और जिनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 के हुई है, यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित के पुरस्कारों से प्राप्त करता है। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ है और इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ है। इनकी शिक्षा मायो कॉलेज हसवेर में पूरी की गई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1970 से 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर बेटा, रिद्धिमा कपूर शाहनी। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता हैं और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता हैं। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में एक किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिससे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में अपनी पहली भूमिका निभाने के बावजूद उन्होंने लैला मजनू 1976 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक हरनाम सिंह रेवल ने किया है और इसमें ऋषि कपूर, रंजीता और डैनी डेंजो कपका मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत मदन मोहन और जयदेव ने दिया है। लैला और मजनू की कथा के आधार पर यह 2 स्टार पार प्रेमियों की कहानी बताती है। लैला एक राजकुमारी और कैस उर्फ मजनू एक आम आदमी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं हरमान सिंह रवेली। यह फिल्म आबार अलवी द्वारा लिखित और अंजना इवेल, हरमान सिंह रवेल ने भी इसमें अपना हिस्सा लिया है। इस फिल्म के निर्माता राम ईपू शीरू दरियानी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है ऋषि कपूर, रंजीत कौर, डेनी डेंजोगपा। इस फिल्म में छायाकान की है जेपी सिंह ने और यह फिल्म श्याम राजपूत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन जयदेव ने और यह फिल्म डीलक्स फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 11 नवंबर 1976 जो कि भारत में रिलीज हुई है और इसका कार्यकारी समय 141 मिनट है। यह देशों भारत, पश्चिमी जर्मनी, सोवियत संघ में रिलीज की गई है। इसकी भाषा हिंदुस्तानी है। लैला मजनू ने रंजीता की शुरुआत की। 1976 में रिलीज होने पर इसे फिल्म समीक्षकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म की जबरदस्त सफलता ने ऋषि कपूर की स्थिति को एक बैंकेबल स्टार के रूप में मजबूत किया। बॉबी में अपनी शुरुआत के बाद लैला मजनू ने पहले उन्हें कभी कभी में अपवाद के साथ कोई
बड़ी सफलता नहीं मिली। हालांकि इस फिल्म की सफलता का श्रेय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन को दिया गया है। 1996 में रिलीज होने के बाद लैला मजनू को एक कल्ट क्लासिक के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। लैला और उसका प्रेमी मजनू, जिसे कैस के नाम से भी जाना जाता है, यह द्विवेदी कुलो अमरी और शारवासियों के लिए पैदा हुए थे। दोनों एक दूसरे को बच्चों की तरह प्यार करते थे। उनका प्यार ऐसा था कि एक को चोट लगी तो दूसरे से खून बहने लगा। फिल्म में बताया गया है कि मदरसे में बच्चों के रूप में मौलवी ने अपनी स्लेट पर अल्लाह का नाम लिखने के लिए कैसे कहते हैं। लैला के ख्यालों में खोई केस और उसकी जगह अपना नाम लिख देती है। बदले में एक नाराज मौलवी उसके हाथ पर बैत मार देता है, लेकिन लैला के हाथ से खून निकलने लगता है। इस तरह की घटना जंगल की आग की तरह फैलती है और लैला के पिता अपनी बेटी की प्रतिष्ठा के लिए डरे हुए हैं, उसे स्कूल जाने से रोकने का फैसला करते हैं। दो कबीले के मुखिया अपने बच्चों को अलग अलग करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके लिए यह कल्पना करना असंभव है कि सरवारियों और अमरियों को कभी खून के बजाय प्यार से जोड़ा जाए। कई साल बाद कैश और उसके दोस्त ऊंट खरीदने के लिए लैला के शहर जाते हैं और दोनों प्रेमियों में फिर से मिलने के लिए मंच तैयार है। एक दिन बाजार में वे एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी पहली नज़र का प्यार है उन दोनों के लिए। वे एक दूसरे से गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं फिर से, लेकिन खलनायक लैला के गर्म स्वभाव वाले भाई तब्रेज के रूप में अपनी एंट्री करता है। दूसरे ही उसकी पहचान नहीं जानने के कारण उसका पहले से ही कैश के साथ विवाद हो चुका है। घटनाओं के क्रम में तब्रेज के हाथों कैश के पिता की मृत्यु हो जाती है। कैश बदले में तब्रेज की हत्या करके उसके पिता की हत्या का बदला लेता है। वह शहर से निर्वासित है और टीलों में भटकता है। एक पागल की तरह अपनी प्रिय की एक झलक के लिए प्यासा। इसी बीच लैला की शादी एक राजकुमार बख्श डैनी से हो जाती है। कैश के लिए उसके प्यार को जानकर वह उससे दूरी बनाए रखने का वादा करता है। जब तक कि वह लैला के दिल में मजनू की जगह नहीं ले पाता, उससे पहले के अन्य सभी लोगों की तरह वह लैला और मजनू के लगभग दिव्य प्रेम को समझने में असमर्थ है, जब वह करता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंगना के विषय में। मजनू कैस आलमरी के रूप में ऋषि कपूर, लैला के रूप में रंजीत कपूर, डेनी डेंगजोंगपा, प्रिंस मागतो के रूप में फिरोज। फिल्म का संगीत मदन मोहन जयदेव ने दिया है, जो बोल साहिल उद्यानवी के हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीतों के विषय में। हुस्न हाजिर है, जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी। तेरे दर पे आया हूँ, जिसकी गायक है मोहम्मद रफ़ी। होके मायूस, तेरे दर से मोहम्मद रफ़ी, आशीज, नाजान, शंकर संभो, अंबर कुंवर और कोरस। क्या रेशमी पाजेब की झंकार, मोहम्मद रफ़ी, लैला मजनू। बर्बाद मोहब्बत की दुआ, मोहब्बत रफ़ी। अब अगर हमसे खुदा भी, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकरी। ये दीवाने की जिद है अपने, मोहम्मद रफ़ी, लिख कर तेरा नाम ज़मीन पर, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर। लैला मजनू दो बदन एक जान थे, उस्ताद राजकुमार रिजवी, अनुराधा पौडवाल, प्रीति सागर। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, लता मंगेशकर। फिल्म के गाने हिट रहे थे, खासकर क्या रेशमी पाजेब की झंकार, तेरे दर पे आया हूँ, बर्बाद मोहब्बत की दुआ और हुस्न हाजिर है। हुस्न हाजिर है बिना का गीत माला की वार्षिक सूची 1977 में भी नंबर एक पर पहुंच गया था। मदन मोहन द्वारा रचित गीत की दुर्लभता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के रिसेप्शन के विषय में। अनेक ग्रोवच 29/16/2005 को हमेशा के लिए मलकाम टेलीग्राम 29/18/2007 को लिया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर, ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को और जिनकी मृत्यु 30/18/2020 के हुई है, यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। इन्होंने हिंदी,
फिल्मों में भी काम किया है। 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से प्राप्त करता है। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ है और इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ है। इनकी शिक्षा मायो कोलिस हसवेर में पूरी की गई है। यह व्यवसाय से अभिनेता फिल्म निर्देशक फिल्म निर्माता रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1970 से 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर बेटा रिद्धिमा कपूर शाहनी। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता हैं और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता हैं। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में एक किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में अपनी पहली भूमिका निभाने के बावजूद उन्होंने लैला मजनू 1976 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशक हरनाम सिंह रेवल ने किया है और इसमें ऋषि कपूर रंजीता और डैनी डेंजो कपका मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत मदन मोहन और जयदेव ने दिया है। लैला और मजनू की कथा के आधार पर यह 2 स्टार पार प्रेमियों की कहानी बताती है। लैला एक राजकुमारी और कैस उर्फ मजनू एक आम आदमी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं हरमान सिंह रवेली। यह फिल्म आबार अलवी द्वारा लिखित और अंजना इवेल हरमान सिंह रवेल ने भी इसमें अपना हिस्सा लिया है। इस फिल्म के निर्माता राम ईपू शीरू दरियानी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है ऋषि कपूर रंजीत कौर डेनी डेंजो कपा। इस फिल्म में छायाकान किए है जेपी सिंह ने और यह फिल्म श्याम राजपूत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन जयदेव ने और यह फिल्म डीलक्स फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 11 नवंबर 1976 जो कि भारत में रिलीज हुई है और इसका कार्यकारी समय 141 मिनट है। यह देशों भारत पश्चिमी जर्मनी सोवियत संघ में रिलीज की गई है। इसकी भाषा हिंदुस्तानी है। लैला मजनू ने रंजीता की शुरुआत की। 1976 में रिलीज होने पर इसे फिल्म समीक्षकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म की जबरदस्त सफलता ने ऋषि कपूर की स्थिति को एक बैंकेबल स्टार के रूप में मजबूत किया। बॉबी में अपनी शुरुआत के बाद लैला मजनू ने पहले उन्हें कभी कभी में अपवाद के साथ कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। हालांकि इस फिल्म की सफलता का श्रेय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन को दिया गया है। 1996 में रिलीज होने के बाद लैला मजनू को एक कल्ट क्लासिक के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। लैला और उसका प्रेमी मजनू जिसे कैस के नाम से भी जाना जाता है, यह द्विपदी कुलो अमरी और शारवासियों के लिए पैदा हुए थे। दोनों एक दूसरे को बच्चों की तरह प्यार करते थे। उनका प्यार ऐसा था कि एक को चोट लगी तो दूसरे से खून बहने लगा। फिल्म में बताया गया है कि मदरसे में बच्चों के रूप में मौलवियों ने अपनी स्लेट पर अल्लाह का नाम लिखने के लिए कैसे कहते हैं। लैला के ख्यालों में खोई केस और उसकी जगह अपना नाम लिख देती है। बदले में एक नाराज मौलवी उसके हाथ पर बैत मार देता है लेकिन लैला के हाथ से खून निकलने लगता है। इस तरह की घटनाएं जंगल की आग की तरह फैलती है और लैला के पिता अपनी बेटी की प्रतिष्ठा के लिए डरे हुए हैं, उसे स्कूल जाने से रोकने का फैसला करते हैं। 2 कबीले के मुखिया अपने बच्चों को अलग अलग करने का फैसला करते हैं क्योंकि उनके लिए यह कल्पना करना असंभव है कि सरवारियों और अमरियों को कभी खून के बजाय प्यार से जोड़ा जाए। कई साल बाद कैश और उसके दोस्त ऊंट खरीदने के लिए लैला के शहर जाते हैं और दोनों प्रेमियों में फिर से मिलने के लिए मंच तैयार है। एक दिन बाजार में वे एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी पहली नज़र का प्यार है उन दोनों के लिए। वे एक दूसरे से गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं। फिर से
लेकिन खलनायक लैला के गर्म स्वभाव वाले भाई तब्रेज के रूप में अपनी एंट्री करता है। दूसरे ही उसकी पहचान न जानने के कारण उसका पहले से ही कैश के साथ विवाद हो चुका है। घटनाओं के क्रम में तब्रेज के हाथों कैश के पिता की मृत्यु हो जाती है। कैश बदले में तब्रेज की हत्या करके उसके पिता की हत्या का बदला लेता है। वह शहर से निर्वासित है और टीलों में भटकता है एक पागल की तरह, अपनी प्रिय की एक झलक के लिए प्यासा। इसी बीच लैला की शादी एक राजकुमार बख्श डैनी से हो जाती है। कैश के लिए उसके प्यार को जानकर वह उससे दूरी बनाए रखने का वादा करता है। जब तक कि वह लैला के दिल में मजनू की जगह नहीं ले पाता, उससे पहले के अन्य सभी लोगों की तरह वह लैला और मजनू के लगभग दिव्य प्रेम को समझने में असमर्थ है, जब वह करता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंगना के विषय में। मजनू कैस आलमरी के रूप में ऋषि कपूर, लैला के रूप में रंजीत ठाकुर, डेनी डेंगजोंगपा, प्रिंस बागतो के रूप में फिरोज। फिल्म का संगीत मदन मोहन जयदेव ने दिया है, जो बोल साहिल उद्यानवी के हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीतों के विषय में। हुस्न हाजिर है, जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी। तेरे दर पे आया हूँ, जिसकी गायक है मोहम्मद रफ़ी। होके मायूस, तेरे दर से मोहम्मद रफ़ी, आशीष नाजान, शंकर शंभू, अंबर कौर और कोरस। क्या रेशमी पाजेब की झंकार, मोहम्मद रफ़ी, लैला मजनू। बर्बाद मोहब्बत की दुआ, मोहब्बत रफ़ी। अब अगर हमसे खुदा भी, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकरी। ये दीवाने की जिद है अपने, मोहम्मद रफ़ी। लिख कर तेरा नाम ज़मीन पर, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर। लैला मजनू दो बदन एक जान थे, उस्ताद राजकुमार रिजवी, अनुराधा पौडवाल, प्रीति सागर। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, लता मंगेशकर। फिल्म के गाने हिट रहे थे, खासकर क्या रेशमी पाजेब की झंकार, तेरे दर पे आया हूँ, बर्बाद मोहब्बत की दुआ और हुस्न हाजिर है। हुस्न हाजिर है बिना का गीत माला की वार्षिक सूची 1977 में भी नंबर एक पर पहुंच गया था। मदन मोहन द्वारा रचित गीत की दुर्लभता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के रिसेप्शन के विषय में। अनेक ग्रोवच 29/16/2005 को हमेशा के लिए, मलकाम टेलीग्राम 29/17/2007 को लिया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को और जिनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 के हुई है, यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित के पुरस्कारों से प्राप्त करता है। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ है और इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ है। इनकी शिक्षा मायो कॉलेज हसवेर में पूरी की गई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1970 से 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर बेटा, रिद्धिमा कपूर शाहनी। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता हैं और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता हैं। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में एक किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिससे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में अपनी पहली भूमिका निभाने के बावजूद उन्होंने लैला मजनू 1976 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक हरनाम सिंह रेवल ने किया है और इसमें ऋषि कपूर, रंजीता और डैनी डेंजोंगपा का मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत मदन मोहन और जयदेव ने दिया है।
लैला और मजनू की कथा के आधार पर यह दो स्टार पार प्रेमियों की कहानी बताती है। लैला एक राजकुमारी और कैस उर्फ मजनू एक आम आदमी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं हरमान सिंह रवेली। यह फिल्म आबार अलवी द्वारा लिखित और अंजना इवेल हरमान सिंह रवेल ने भी इसमें अपना हिस्सा लिया है। इस फिल्म के निर्माता राम ईपू शीरू दरियानी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है ऋषि कपूर, रणजीत कौर, डेनी डेंजोगपा। इस फिल्म में छायाकान की है जेपी सिंह ने और यह फिल्म श्याम राजपूत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदमोहन जयदेव ने और यह फिल्म डीलक्स फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 11 नवंबर 1976 जो कि भारत में रिलीज हुई है और इसका कार्यकारी समय 141 मिनट है। यह देशों भारत, पश्चिमी जर्मनी, सोवियत संघ में रिलीज की गई है। इसकी भाषा हिंदुस्तानी है। लैला मजनू ने रंजीता की शुरुआत की। 1976 में रिलीज होने पर इसे फिल्म समीक्षकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म की जबरदस्त सफलता ने ऋषि कपूर की स्थिति को एक बैंकेबल स्टार के रूप में मजबूत किया। बॉबी में अपनी शुरुआत के बाद लैला मजनू ने पहले उन्हें कभी कभी में अपवाद के साथ कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। हालांकि इस फिल्म की सफलता का श्रेय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन को दिया गया है। 1996 में रिलीज होने के बाद लैला मजनू को एक कल्ट क्लासिक के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। लैला और उसका प्रेमी मजनू, जिसे कैस के नाम से भी जाना जाता है, यह द्विपदी कुलों अमरी और शारवासियों के लिए पैदा हुए थे। दोनों एक दूसरे को बच्चों की तरह प्यार करते थे। उनका प्यार ऐसा था कि एक को चोट लगी तो दूसरे से खून बहने लगा। फिल्म में बताया गया है कि मदरसे में बच्चों के रूप में मौलवी ने अपनी स्लेट पर अल्लाह का नाम लिखने के लिए कैसे कहते हैं। लैला के ख्यालों में खोई केस और उसकी जगह अपना नाम लिख देती है। बदले में एक नाराज मौलवी उसके हाथ पर बैत मार देता है, लेकिन लैला के हाथ से खून निकलने लगता है। इस तरह की घटना जंगल की आग की तरह फैलती है और लैला के पिता अपनी बेटी की प्रतिष्ठा के लिए डरे हुए हैं, उसे स्कूल जाने से रोकने का फैसला करते हैं। दो कबीले के मुखिया अपने बच्चों को अलग अलग करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके लिए यह कल्पना करना असंभव है कि सरवारियों और अमरियों को कभी खून के बजाय प्यार से जोड़ा जाए। कई साल बाद कैशो उसके दोस्त ऊँट खरीदने के लिए लैला के शहर जाते हैं और दोनों प्रेमियों में फिर से मिलने के लिए मंच तैयार है। एक दिन बाजार में वे एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी पहली नज़र का प्यार है उन दोनों के लिए। वे एक दूसरे से गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं फिर से, लेकिन खलनायक लैला के गर्म स्वभाव वाले भाई तब्रेज के रूप में अपनी एंट्री करता है। दूसरे ही उसकी पहचान नहीं जानने के कारण उसका पहले से ही कैश के साथ विवाद हो चुका है। घटनाओं के क्रम में तब्रेज के हाथों कैश के पिता की मृत्यु हो जाती है। कैश बदले में तब्रेज की हत्या करके उसके पिता की हत्या का बदला लेता है। वह शहर से निर्वासित है और टीलों में भटकता है। एक पागल की तरह अपनी प्रिय की एक झलक के लिए प्यासा। इसी बीच लैला की शादी एक राजकुमार बख्श डैनी से हो जाती है। कैश के लिए उसके प्यार को जानकर वह उससे दूरी बनाए रखने का वादा करता है। जब तक कि वह लैला के दिल में मजनू की जगह नहीं ले पाता, उससे पहले के अन्य सभी लोगों की तरह वह लैला और मजनू के लगभग दिव्य प्रेम को समझने में असमर्थ है जब वह करता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंगना के विषय में। मजनू कैस आलमगीर के रूप में ऋषि कपूर, लैला के रूप में रंजीत कपूर, डेनी डेंजोंगपा, प्रिंस मागतो के रूप में फिरोज। फिल्म का संगीत मदन मोहन जयदेव ने दिया है जो बोल साहिल उद्यानवी के हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीतों के विषय में। हुस्न हाजिर है जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी, तेरे दर पे आया हूँ जिसकी गायक है मोहम्मद रफ़ी, हो के मायूस तेरे दर से मोहम्मद रफ़ी, आसीज़ नाजान, शंकर संभो, अंबर कुंवर और कोरस।
क्या रेशमी पाजेब की झंकार, मोहम्मद रफ़ी लैला मजनू, बर्बाद मोहब्बत की दुआ मोहब्बत रफ़ी, अब अगर हमसे खुदा भी मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकरी, ये दीवाने की जिद है अपने मोहम्मद रफ़ी, लिख कर तेरा नाम ज़मीन पर मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर। लैला मजनू दो बदन एक जान थे, उस्ताद राजकुमार रिजवी, अनुराधा पौडवाल, प्रीति सागर, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को लता मंगेशकर। फिल्म के गाने हिट रहे थे, खासकर क्या रेशमी पाजेब की झंकार, तेरे दर पे आया हूँ, बर्बाद मोहब्बत की दुआ और हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है, बिना का गीत माला की वार्षिक सूची 1977 में भी नंबर एक पर पहुंच गया था। मदन मोहन द्वारा रचित गीत की दुर्लभता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के रिसेप्शन के विषय में। अनेक ग्रोवचेस 29 जुलाई 2005 को हमेशा के लिए मलकाम टेलीग्राम 29 अप्रैल 2007 को लिया गया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर, ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को और जिनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 के हुई है, यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित के पुरस्कारों से प्राप्त करता है। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ है और इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ है। इनकी शिक्षा मायो कोरिसवेर में पूरी की गई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1970 से 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर बेटा, रिद्धिमा कपूर शाहनी। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता हैं और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता हैं। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में एक किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में अपनी पहली भूमिका निभाने के बावजूद उन्होंने लैला मजनू 1976 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक हरनाम सिंह रेवल ने किया है और इसमें ऋषि कपूर, रंजीता और डैनी डेंजो कपका मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत मदन मोहन और जयदेव ने दिया है। लैला और मजनू की कथा के आधार पर यह 2 स्टार पार प्रेमियों की कहानी बताती है। लैला एक राजकुमारी और कैस उर्फ मजनू एक आम आदमी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं हरमान सिंह रवेली। यह फिल्म आबार अलवी द्वारा लिखित और अंजना इवेल, हरमान सिंह रवेल ने भी इसमें अपना हिस्सा लिया है। इस फिल्म के निर्माता राम ईपू शीरू दरियानी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है ऋषि कपूर, रंजीत कौर, डेनी डेंजो कपा। इस फिल्म में छायाकान किए है जेपी सिंह ने और यह फिल्म श्याम राजपूत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन जयदेव ने और यह फिल्म डीलक्स फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 11 नवंबर 1976 जो कि भारत में रिलीज हुई है और इसका कार्यकारी समय 141 मिनट है। यह देशों भारत, पश्चिमी जर्मनी, सोवियत संघ में रिलीज की गई है। इसकी भाषा हिंदुस्तानी है। लैला मजनू ने रंजीता की शुरुआत की। 1976 में रिलीज होने पर इसे फिल्म समीक्षकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म की जबरदस्त सफलता ने ऋषि कपूर की स्थिति को एक बैंकेबल स्टार के रूप में मजबूत किया। बॉबी में अपनी शुरुआत के बाद लैला मजनू ने पहले उन्हें कभी कभी में अपवाद के साथ कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। हालांकि इस फिल्म की सफलता का श्रेय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन को दिया गया है। 1996 में रिलीज होने के बाद लैला मजनू को एक कल्ट क्लासिक के रूप में जाना जाता है।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। लैला और उसका प्रेमी मजनू, जिसे कैस के नाम से भी जाना जाता है, यह द्विपदी कुलो अमरी और शारवासियों के लिए पैदा हुए थे। दोनों एक दूसरे को बच्चों की तरह प्यार करते थे। उनका प्यार ऐसा था कि एक को चोट लगी तो दूसरे से खून बहने लगा। फिल्म में बताया गया है कि मदरसे में बच्चों के रूप में मौलवियों ने अपनी स्लेट पर अल्लाह का नाम लिखने के लिए कैसे कहते हैं। लैला के ख्यालों में खोई केस और उसकी जगह अपना नाम लिख देती है। बदले में एक नाराज मौलवी उसके हाथ पर बैत मार देता है, लेकिन लैला के हाथ से खून निकलने लगता है। इस तरह की घटनाएं जंगल की आग की तरह फैलती है और लैला के पिता अपनी बेटी की प्रतिष्ठा के लिए डरे हुए हैं, उसे स्कूल जाने से रोकने का फैसला करते हैं। दो कबीले के मुखिया अपने बच्चों को अलग अलग करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके लिए यह कल्पना करना असंभव है कि सरवारियों और अमरियों को कभी खून के बजाय प्यार से जोड़ा जाए। कई साल बाद कैश और उसके दोस्त ऊंट खरीदने के लिए लैला के शहर जाते हैं और दोनों प्रेमियों में फिर से मिलने के लिए मंच तैयार है। एक दिन बाजार में वे एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी पहली नज़र का प्यार है उन दोनों के लिए। वे एक दूसरे से गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं फिर से, लेकिन खलनायक लैला के गर्म स्वभाव वाले भाई तब्रेज के रूप में अपनी एंट्री करता है। दूसरे ही उसकी पहचान न जानने के कारण उसका पहले से ही कैश के साथ विवाद हो चुका है। घटनाओं के क्रम में तब्रेज के हाथों कैश के पिता की मृत्यु हो जाती है। कैश बदले में तब्रेज की हत्या करके उसके पिता की हत्या का बदला लेता है। वह शहर से निर्वासित है और टीलों में भटकता है। एक पागल की तरह अपनी प्रिय की एक छलक के लिए प्यासा। इसी बीच लैला की शादी एक राजकुमार बख्श डैनी से हो जाती है। कैश के लिए उसके प्यार को जानकर वह उससे दूरी बनाए रखने का वादा करता है। जब तक कि वह लैला के दिल में मजनू की जगह नहीं ले पाता, उससे पहले के अन्य सभी लोगों की तरह वह लैला और मजनू के लगभग दिव्य प्रेम को समझने में असमर्थ है, जब वह करता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंगना के विषय में। मजनू कैस आलमरी के रूप में ऋषि कपूर, लैला के रूप में रंजीत ठाकुर, डेनी डेंगजोंगपा, प्रिंस मागतो के रूप में फिरोज। फिल्म का संगीत मदन मोहन जयदेव ने दिया है, जो बोल साहिल लुधियानवी के हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीतों के विषय में। हुस्न हाजिर है, जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी। तेरे दर पे आया हूँ, जिसकी गायक है मोहम्मद रफ़ी। होके मायूस तेरे दर से मोहम्मद रफ़ी, आशीज नाजान, शंकर शंभो, अंबर कौर और कोरस। क्या रेशमी पाजेब की झंकार मोहम्मद रफ़ी, लैला मजनू। बर्बाद मोहब्बत की दुआ मोहम्मद रफ़ी, अब अगर हमसे खुदा भी मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकरी। ये दीवाने की जिद है अपने मोहम्मद रफ़ी, लिख कर तेरा नाम ज़मीन पर मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर। लैला मजनू दो बदन एक जान थे, उस्ताद राजकुमार रिजवी, अनुराधा पौडवाल, प्रीति सागर। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, लता मंगेशकर। फिल्म के गाने हिट रहे थे, खासकर क्या रेशमी पाजेब की झंकार, तेरे दर पे आया हूँ, बर्बाद मोहब्बत की दुआ और हुस्न हाजिर है। हुस्न हाजिर है बिना का गीत माला की वार्षिक सूची 1977 में भी नंबर एक पर पहुंच गया था। मदन मोहन द्वारा रचित गीत की दुर्लभता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के रिसेप्शन के विषय में। अनेक ग्रोवच 29/16/2005 को हमेशा के लिए मलकाम टेलीग्राम 29/17/2007 को लिया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को और जिनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 के हुई है, यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित के पुरस्कारों से प्राप्त करता है।
ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ है और इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ है। इनकी शिक्षा मायो कोरी सस्वीर में पूरी की गई है। यह व्यवसाय से अभिनेता फिल्म निर्देशक फिल्म निर्माता रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1970 से 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके दो बच्चे हैं रणबीर कपूर बेटा रिद्धिमा कपूर शाहनी। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता हैं और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता हैं। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में एक किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की जिससे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में अपनी पहली भूमिका निभाने के बावजूद उन्होंने लैला मजनू 1976 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशक हरनाम सिंह रेवल ने किया है और इसमें ऋषि कपूर रंजीता और डैनी डेंजो कपका मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत मदन मोहन और जयदेव ने दिया है। लैला और मजनू की कथा के आधार पर यह दो स्टार पार प्रेमियों की कहानी बताती है। लैला एक राजकुमारी और कैस उर्फ मजनू एक आम आदमी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं हरमान सिंह रवेली। यह फिल्म आबार अलवी द्वारा लिखित और अंजना इवेल हरमान सिंह रवेल ने भी इसमें अपना हिस्सा लिया है। इस फिल्म के निर्माता राम ईपू शीरू दरियानी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है ऋषि कपूर रंजीत कौर डेनी डेंजो कपा। इस फिल्म में छायाकान की है जेपी सिंह ने और यह फिल्म श्याम राजपूत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन जयदेव ने और यह फिल्म डीलक्स फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 11 नवंबर 1976 जो कि भारत में रिलीज हुई है और इसका कार्यकारी समय 141 मिनट है। यह देशों भारत पश्चिमी जर्मनी सोवियत संघ में रिलीज की गई है। इसकी भाषा हिंदुस्तानी है। लैला मजनू ने रंजीता की शुरुआत की। 1976 में रिलीज होने पर इसे फिल्म समीक्षकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म की जबरदस्त सफलता ने ऋषि कपूर की स्थिति को एक बैंकेबल स्टार के रूप में मजबूत किया। बॉबी में अपनी शुरुआत के बाद लैला मजनू ने पहले उन्हें कभी कभी में अपवाद के साथ कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। हालांकि इस फिल्म की सफलता का श्रेय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन को दिया गया है। 1996 में रिलीज होने के बाद लैला मजनू को एक कल्ट क्लासिक के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। लैला और उसका प्रेमी मजनू जिसे कैस के नाम से भी जाना जाता है यह द्विपदी कुलो अमरी और शारवासियों के लिए पैदा हुए थे। दोनों एक दूसरे को बच्चों की तरह प्यार करते थे। उनका प्यार ऐसा था कि एक को चोट लगी तो दूसरे से खून बहने लगा। फिल्म में बताया गया है कि मदरसे में बच्चों के रूप में मौलवी ने अपनी स्लेट पर अल्लाह का नाम लिखने के लिए कैसे कहते हैं। लैला के ख्यालों में खोई केस और उसकी जगह अपना नाम लिख देती है। बदले में एक नाराज मौलवी उसके हाथ पर बैत मार देता है लेकिन लैला के हाथ से खून निकलने लगता है। इस तरह की घटनाएं जंगल की आग की तरह फैलती है और लैला के पिता अपनी बेटी की प्रतिष्ठा के लिए डरे हुए हैं उसे स्कूल जाने से रोकने का फैसला करते हैं। दो कबीले के मुखिया अपने बच्चों को अलग अलग करने का फैसला करते हैं क्योंकि उनके लिए यह कल्पना करना असंभव है कि सरवारियों और अमरियों को कभी खून के बजाय प्यार से जोड़ा जाए। कई साल बाद कैशो उसके दोस्त ऊँट खरीदने के लिए लैला के शहर जाते हैं और दोनों प्रेमियों में फिर से मिलने के लिए मंच तैयार है। एक दिन बाजार में वे एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी पहली नज़र का प्यार है उन दोनों के लिए। वे एक दूसरे से गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं फिर से लेकिन खलनायक लैला के गर्म स्वभाव वाले भाई तब्रेज के रूप में अपनी एंट्री करता है। दूसरे ही उसकी पहचान न जानने के कारण उसका पहले से ही कैस के साथ विवाद हो चुका है।
घटनाओं के क्रम में तरवेश के हाथों कैश के पिता की मृत्यु हो जाती है। कैश बदले में तबरेज की हत्या करके उसके पिता की हत्या का बदला लेता है। वह शहर से निर्वासित है और टीलों में भटकता है। एक पागल की तरह अपनी प्रिय की एक झलक के लिए प्यासा। इसी बीच लैला की शादी एक राजकुमार बख्श डैनी से हो जाती है। कैश के लिए उसके प्यार को जानकर वह उससे दूरी बनाए रखने का वादा करता है। जब तक कि वह लैला के दिल में मजनू की जगह नहीं ले पाता, उससे पहले के अन्य सभी लोगों की तरह वह लैला और मजनू के लगभग दिव्य प्रेम को समझने में असमर्थ है जब वह करता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंगना के विषय में। मजनू कैस आलमरी के रूप में ऋषि कपूर, लैला के रूप में रंजीत कपूर, डेनी डेंगजोंग कपा, प्रिंस मागतो के रूप में फिरोज। फिल्म का संगीत मदन मोहन जयदेव ने दिया है, जो बोल साहिल उद्यानवी के हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीतों के विषय में। हुस्न हाजिर है, जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी। तेरे दर पे आया हूँ, जिसकी गायक है मोहम्मद रफ़ी। हो के मायूस, तेरे दर से मोहम्मद रफ़ी, आसीज, नाजान, शंकर संभो, अंबर कुंवर और कोरस। क्या रेशमी पाजेब की झंकार, मोहम्मद रफ़ी, लैला मजनू। बर्बाद मोहब्बत की दुआ, मोहब्बत रफ़ी। अब अगर हमसे खुदा भी, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकरी। ये दीवाने की जिद है अपने, मोहम्मद रफ़ी। लिख कर तेरा नाम ज़मीन पर, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर। लैला मजनू दो बदन एक जान थे, उस्ताद राजकुमार रिजवी, अनुराधा पौडवाल, प्रीति सागर। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, लता मंगेशकर। फिल्म के गाने हिट रहे थे, खासकर क्या रेशमी पाजेब की झंकार, तेरे दर पे आया हूँ, बर्बादे मोहब्बत की दुआ और हुस्न हाजिर है। हुस्न हाजिर है बिना का गीत माला की वार्षिक सूची 1977 में भी नंबर एक पर पहुंच गया था। मदन मोहन द्वारा रचित गीत की दुर्लभता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के रिसेप्शन के विषय में। अनेक ग्रोवच 29 जुलाई 2005 को हमेशा के लिए मलकाम टेलीग्राम 29 अप्रैल 2007 को लिया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर, ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को और जिनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 के हुई है, यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से प्राप्त करता है। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ है और इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ है। इनकी शिक्षा मायो कॉलेज हसवेर में पूरी की गई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1970 से 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर बेटा, रिद्धिमा कपूर शाहनी। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता हैं और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता हैं। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में एक किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में अपनी पहली भूमिका निभाने के बावजूद उन्होंने लैला मजनू 1976 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक हरनाम सिंह रेवल ने किया है और इसमें ऋषि कपूर, रंजीता और डैनी डेंजोंग कपा का मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत मदन मोहन और जयदेव ने दिया है। लैला और मजनू की कथा के आधार पर यह 2 स्टार पार प्रेमियों की कहानी बताती है। लैला एक राजकुमारी और कैस उर्फ मजनू एक आम आदमी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं हरमान सिंह रिवेली,
यह फिल्म आबार अलवी द्वारा लिखित और अंजना इवेल हरमान सिंह रवेल ने भी इसमें अपना हिस्सा लिया है। इस फिल्म के निर्माता राम ईपू शीरू दरियानी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है ऋषि कपूर, रंजीत कौर, डेनी डेंजोगपा। इस फिल्म में छायाकान किए है जेपी सिंह ने और यह फिल्म श्याम राजपूत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदमोहन जयदेव ने और यह फिल्म डीलक्स फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 11 नवंबर 1976 जो कि भारत में रिलीज हुई है और इसका कार्यकारी समय 141 मिनट है। यह देशो भारत पश्चिमी जर्मनी सोवियत संघ में रिलीज की गई है। इसकी भाषा हिंदुस्तानी है। लैला मजनू ने रंजीता की शुरुआत की। 1976 में रिलीज होने पर इसे फिल्म समीक्षकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म की जबरदस्त सफलता ने ऋषि कपूर की स्थिति को एक बैंकेबल स्टार के रूप में मजबूत किया। बॉबी में अपनी शुरुआत के बाद लैला मजनू ने पहले उन्हें कभी कभी में अपवाद के साथ कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। हालांकि इस फिल्म की सफलता का श्रेय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन को दिया गया है। 1996 में रिलीज होने के बाद लैला मजनू को एक कल्ट क्लासिक के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। लैला और उसका प्रेमी मजनू जिसे कैस के नाम से भी जाना जाता है, यह द्विपदी कुलो अमरी और शारवासियों के लिए पैदा हुए थे। दोनों एक दूसरे को बच्चों की तरह प्यार करते थे। उनका प्यार ऐसा था कि एक को चोट लगी तो दूसरे से खून बहने लगा। फिल्म में बताया गया है कि मदरसे में बच्चों के रूप में मौलवियों ने अपनी स्लेट पर अल्लाह का नाम लिखने के लिए कैसे कहते हैं। लैला के ख्यालों में खोई केस और उसकी जगह अपना नाम लिख देती है। बदले में एक नाराज मौलवी उसके हाथ पर बैत मार देता है लेकिन लैला के हाथ से खून निकलने लगता है। इस तरह की घटनाएं जंगल की आग की तरह फैलती है और लैला के पिता अपनी बेटी की प्रतिष्ठा के लिए डरे हुए हैं, उसे स्कूल जाने से रोकने का फैसला करते हैं। दो कबीले के मुखिया अपने बच्चों को अलग अलग करने का फैसला करते हैं क्योंकि उनके लिए यह कल्पना करना असंभव है कि सरवारियों और अमरियों को कभी खून के बजाय प्यार से जोड़ा जाए। कई साल बाद कैश और उसके दोस्त ऊंट खरीदने के लिए लैला के शहर जाते हैं और दोनों प्रेमियों में फिर से मिलने के लिए मंच तैयार है। एक दिन बाजार में वे एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी पहली नज़र का प्यार है उन दोनों के लिए। वे एक दूसरे से गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं फिर से, लेकिन खलनायक लैला के गर्म स्वभाव वाले भाई तब्रेज के रूप में अपनी एंट्री करता है। दूसरे ही उसकी पहचान न जानने के कारण उसका पहले से ही कैश के साथ विवाद हो चुका है। घटनाओं के क्रम में तब्रेज के हाथों कैश के पिता की मृत्यु हो जाती है। कैश बदले में तब्रेज की हत्या करके उसके पिता की हत्या का बदला लेता है। वह शहर से निर्वासित है और टीलों में भटकता है। एक पागल की तरह अपनी प्रिय की एक झलक के लिए प्यासा। इसी बीच लैला की शादी एक राजकुमार बख्श डैनी से हो जाती है। कैश के लिए उसके प्यार को जानकर वह उससे दूरी बनाए रखने का वादा करता है। जब तक कि वह लैला के दिल में मजनू की जगह नहीं ले पाता, उससे पहले के अन्य सभी लोगों की तरह वह लैला और मजनू के लगभग दिव्य प्रेम को समझने में असमर्थ है जब वह करता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के फैंगना के विषय में। मजनू कैस आलमरी के रूप में ऋषि कपूर, लैला के रूप में रंजीता कौर, डेनी डेंगजोंगपा, प्रिंस मागतो के रूप में फिरोज। फिल्म का संगीत मदन मोहन जयदेव ने दिया है जो बोल साहिल लुधियानवी के हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीतों के विषय में। हुस्न हाजिर है जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी, तेरे दर पे आया हूँ जिसकी गायक है मोहम्मद रफ़ी, होके मायूस तेरे दर से मोहम्मद रफ़ी, आशीज नाजान, शंकर शंभो, अंबर कौर और कोरस, क्या रेशमी पाजेब की झंकार मोहम्मद रफ़ी, लैला मजनू, बर्बाद मोहब्बत की दुआ मोहम्मद रफ़ी, अब अगर हमसे खुदा भी मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकरी।
ये दीवाने की जिद है अपने, मोहम्मद रफ़ी लिख कर तेरा नाम ज़मीन पर, मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर। लैला मजनू दो बदन एक जान थे, उस्ताद राजकुमार रिजवी अनुराधा पौडवाल प्रीति सागर। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, लता मंगेशकर। फिल्म के गाने हिट रहे थे, खासकर क्या रेस में पाजेब की जंकार, तेरे दर पे आया हूँ बर्बाद मोहब्बत की दुआ और हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है बिना का गीत माला की वार्षिक सूची 1977 में भी नंबर एक पर पहुंच गया था। मदन मोहन द्वारा रचित गीत की दुर्लभता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के रिसेप्शंस के विषय में। अनेक ग्रोवचेस 29 जुलाई 2005 को हमेशा के लिए मलकाम टेलीग्राम 29 अप्रैल 2007 को लिया गया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को और जिनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 के हुई है, यह एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से प्राप्त करता है। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ है और इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ है। इनकी शिक्षा मायो कॉलेज हसवेर में पूरी की गई है। यह व्यवसाय से अभिनेता फिल्म निर्देशक फिल्म निर्माता रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1970 से 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर बेटा रिद्धिमा कपूर शाहनी। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता हैं और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता हैं। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में एक किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिससे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में अपनी पहली भूमिका निभाने के बावजूद उन्होंने लैला मजनू 1976 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशक हरनाम सिंह रेवल ने किया है और इसमें ऋषि कपूर, रंजीता और डैनी डेंजो कपका मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत मदन मोहन और जयदेव ने दिया है। लैला और मजनू की कथा के आधार पर यह 2 स्टार पार प्रेमियों की कहानी बताती है। लैला एक राजकुमारी और कैस उर्फ मजनू एक आम आदमी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं हरमान सिंह रवेली। यह फिल्म आबार अलवी द्वारा लिखित और अंजना इवेल हरमान सिंह रवेल ने भी इसमें अपना हिस्सा लिया है। इस फिल्म के निर्माता राम ईपू शीरू दरियानी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है ऋषि कपूर, रंजीत कौर, डेनी डेंजोगपा। इस फिल्म में छायाकान की है जेपी सिंह ने और यह फिल्म श्याम राजपूत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन जयदेव ने और यह फिल्म डीलक्स फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 11 नवंबर 1976 जो कि भारत में रिलीज हुई है और इसका कार्यकारी समय 141 मिनट है। यह देशों भारत, पश्चिमी जर्मनी, सोवियत संघ में रिलीज की गई है। इसकी भाषा हिंदुस्तानी है। लैला मजनू ने रंजीता की शुरुआत की। 1976 में रिलीज होने पर इसे फिल्म समीक्षकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म की जबरदस्त सफलता ने ऋषि कपूर की स्थिति को एक बैंकेबल स्टार के रूप में मजबूत किया। बॉबी में अपनी शुरुआत के बाद लैला मजनू ने पहले उन्हें कभी कभी में अपवाद के साथ कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। हालांकि इस फिल्म की सफलता का श्रेय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन को दिया गया है। 1996 में रिलीज होने के बाद लैला मजनू को एक कल्ट क्लासिक के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। लैला और उसका प्रेमी मजनू जिसे कैस के नाम से भी जाना जाता है, यह द्विवेदी कुलो
अमरी और शारवासियों के लिए पैदा हुए थे। दोनों एक दूसरे को बच्चों की तरह प्यार करते थे। उनका प्यार ऐसा था कि एक को चोट लगी तो दूसरे से खून बहने लगा। फिल्म में बताया गया है कि मदरसे में बच्चों के रूप में मौलवी ने अपनी स्लेट पर अल्लाह का नाम लिखने के लिए कैसे कहते हैं लैला के ख्यालों में खोई केस और उसकी जगह अपना नाम लिख देती है। बदले में एक नाराज मौलवी उसके हाथ पर बैत मार देता है, लेकिन लैला के हाथ से खून निकलने लगता है। इस तरह की घटनाएं जंगल की आग की तरह फैलती है और लैला के पिता अपनी बेटी की प्रतिष्ठा के लिए डरे हुए हैं, उसे स्कूल जाने से रोकने का फैसला करते हैं। दो कबीले के मुखिया अपने बच्चों को अलग अलग करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके लिए यह कल्पना करना असंभव है कि सरवारियों और अमरियों को कभी खून के बजाय प्यार से जोड़ा जाए। कई साल बाद कैशो उसके दोस्त ऊँट खरीदने के लिए लैला के शहर जाते हैं और दोनों प्रेमियों में फिर से मिलने के लिए मंच तैयार है। एक दिन बाजार में वे एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी पहली नज़र का प्यार है उन दोनों के लिए। वे एक दूसरे से गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं फिर से, लेकिन खलनायक लैला के गर्म स्वभाव वाले भाई तब्रेज के रूप में अपनी एंट्री करता है। दूसरे ही उसकी पहचान न जानने के कारण उसका पहले से ही कैश के साथ विवाद हो चुका है। घटनाओं के क्रम में तब्रेज के हाथों कैश के पिता की मृत्यु हो जाती है। कैश बदले में तब्रेज की हत्या करके उसके पिता की हत्या का बदला लेता है। वह शहर से निर्वासित है और टीलों में भटकता है। एक पागल की तरह अपनी प्रिय की एक छलक के लिए प्यासा। इसी बीच लैला की शादी एक राजकुमार बख्श डैनी से हो जाती है। कैश के लिए उसके प्यार को जानकर वह उससे दूरी बनाए रखने का वादा करता है। जब तक कि वह लैला के दिल में मजनू की जगह नहीं ले पाता, उससे पहले के अन्य सभी लोगों की तरह वह लैला और मजनू के लगभग दिव्य प्रेम को समझने में असमर्थ है जब वह करता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के फैंगना के विषय में। मजनू कैस आलमरी के रूप में ऋषि कपूर, लैला के रूप में रंजीत कपूर, डेनी डेंगजोंगपा, प्रिंस मागतो के रूप में फिरोज। फिल्म का संगीत मदन मोहन जयदेव ने दिया है, जो बोल साहिल उद्यानवी के हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीतों के विषय में। हुस्न हाजिर है जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी, तेरे दर पे आया हूँ जिसकी गायक है मोहम्मद रफ़ी, हो के मायूस तेरे दर से मोहम्मद रफ़ी, आसीज नाजान, शंकर संभो, अंबर कुंवर और कोरस। क्या रेशमी पाजेब की झंकार मोहम्मद रफ़ी, लैला मजनू बर्बाद मोहब्बत की दुआ मोहम्मद रफ़ी, अब अगर हमसे खुदा भी मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकरी। ये दीवाने की जिद है अपने मोहम्मद रफ़ी लिख कर तेरा नाम ज़मीन पर, मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर। लैला मजनू दो बदन एक जान थे, उस्ताद राजकुमार रिजवी, अनुराधा पौडवाल, प्रीति सागर। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, लता मंगेशकर। फिल्म के गाने हिट रहे थे, खासकर क्या रेशमी पाजेब की झंकार, तेरे दर पे आया हूँ, बर्बाद मोहब्बत की दुआ और हुस्न हाजिर है। हुस्न हाजिर है बिना का गीत माला की वार्षिक सूची 1977 में भी नंबर एक पर पहुंच गया था। मदन मोहन द्वारा रचित गीत की दुर्लभता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के रिसेप्शन के विषय में। अनेक ग्रोवच 29 जुलाई 2005 को हमेशा के लिए मलकाम टेलीग्राम 29 अप्रैल 2007 को लिया गया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को और जिनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 के हुई है, यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से प्राप्त करता है। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ है और इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में
मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ है। इनकी शिक्षा मायोकोरी तस्वीर में पूरी की गई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1970 से 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके दो बच्चे हैं, रणबीर कपूर बेटा, रिद्धिमा कपूर शाहनी। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता हैं, और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता हैं। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में एक किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में अपनी पहली भूमिका निभाने के बावजूद उन्होंने लैला मजनू 1976 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक हरनाम सिंह रेवल ने किया है, और इसमें ऋषि कपूर, रंजीता और डैनी डेंजो कपका मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत मदन मोहन और जयदेव ने दिया है। लैला और मजनू की कथा के आधार पर यह दो स्टार पार प्रेमियों की कहानी बताती है। लैला एक राजकुमारी और कैस उर्फ मजनू एक आम आदमी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं हरमान सिंह रवेली। यह फिल्म आबार अलवी द्वारा लिखित और अंजना इवेल, हरमान सिंह रवेल ने भी इसमें अपना हिस्सा लिया है। इस फिल्म के निर्माता राम ईपू शीरू दरियानी है, और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है ऋषि कपूर, रंजीत कौर, डेनी डेंजो कपा। इस फिल्म में छायाकान किए है जेपी सिंह ने, और यह फिल्म श्याम राजपूत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन जयदेव ने, और यह फिल्म डीलक्स फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 11 नवंबर 1976 जो कि भारत में रिलीज हुई है, और इसका कार्यकारी समय 141 मिनट है। यह देशों भारत, पश्चिमी जर्मनी, सोवियत संघ में रिलीज की गई है। इसकी भाषा हिंदुस्तानी है। लैला मजनू ने रंजीता की शुरुआत की। 1976 में रिलीज होने पर इसे फिल्म समीक्षकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली, और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म की जबरदस्त सफलता ने ऋषि कपूर की स्थिति को एक बैंकेबल स्टार के रूप में मजबूत किया। बॉबी में अपनी शुरुआत के बाद लैला मजनू ने पहले उन्हें कभी कभी में अपवाद के साथ कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। हालांकि इस फिल्म की सफलता का श्रेय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन को दिया गया है। 1996 में रिलीज होने के बाद लैला मजनू को एक कल्ट क्लासिक के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। लैला और उसका प्रेमी मजनू, जिसे कैस के नाम से भी जाना जाता है, यह द्विपदी कुलो अमरी और शारवासियों के लिए पैदा हुए थे। दोनों एक दूसरे को बच्चों की तरह प्यार करते थे। उनका प्यार ऐसा था कि एक को चोट लगी तो दूसरे से खून बहने लगा। फिल्म में बताया गया है कि मदरसे में बच्चों के रूप में मौलवियों ने अपनी स्लेट पर अल्लाह का नाम लिखने के लिए कैसे कहते हैं। लैला के ख्यालों में खोई केस और उसकी जगह अपना नाम लिख देती है। बदले में एक नाराज मौलवी उसके हाथ पर बैत मार देता है, लेकिन लैला के हाथ से खून निकलने लगता है। इस तरह की घटनाएं जंगल की आग की तरह फैलती है, और लैला के पिता अपनी बेटी की प्रतिष्ठा के लिए डरे हुए हैं, उसे स्कूल जाने से रोकने का फैसला करते हैं। दो कबीले के मुखिया अपने बच्चों को अलग अलग करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके लिए यह कल्पना करना असंभव है कि सरवारियों और अमरियों को कभी खून के बजाय प्यार से जोड़ा जाए। कई साल बाद कैश और उसके दोस्त ऊंट खरीदने के लिए लैला के शहर जाते हैं, और दोनों प्रेमियों में फिर से मिलने के लिए मंच तैयार है। एक दिन बाजार में वे एक दूसरे से मिलते हैं, और उनकी पहली नज़र का प्यार है उन दोनों के लिए। वे एक दूसरे से गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं फिर से, लेकिन खलनायक लैला के गर्म स्वभाव वाले भाई तब्रेज के रूप में अपनी एंट्री करता है। दूसरे ही उसकी पहचान न जानने के कारण उसका पहले से ही कैश के साथ विवाद हो चुका है। घटनाओं के क्रम में तब्रेज के हाथों कैश के पिता की मृत्यु हो जाती है। कैश बदले में तब्रेज की हत्या करके उसके पिता की हत्या का बदला लेता है। वह शहर
से निर्वासित है और टीलों में भटकता है एक पागल की तरह अपनी प्रिय की एक छलक के लिए प्यासा। इसी बीच लैला की शादी एक राजकुमार बख्श डैनी से हो जाती है। कैश के लिए उसके प्यार को जानकर वह उससे दूरी बनाए रखने का वादा करता है। जब तक कि वह लैला के दिल में मजनू की जगह नहीं ले पाता, उससे पहले के अन्य सभी लोगों की तरह वह लैला और मजनू के लगभग दिव्य प्रेम को समझने में असमर्थ है जब वह करता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के फैंगना के विषय में। मजनू कैसा लमरी के रूप में ऋषि कपूर, लैला के रूप में रंजीत कपूर, डेनी डेंगजोंग कपा, प्रिंस मागतो के रूप में फिरोज। फिल्म का संगीत मदन मोहन जयदेव ने दिया है जो बोल साहिल उद्यानवी के हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीतों के विषय में। हुस्न हाजिर है जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी, तेरे दर पे आया हूँ जिसकी गायक है मोहम्मद रफ़ी, होके मायूस तेरे दर से मोहम्मद रफ़ी, आसीज नाजान शंकर संभो अंबर कौर और कोरस, क्या रेशमी पाजेब की झंकार मोहम्मद रफ़ी लैला मजनू, बर्बाद मोहब्बत की दुआ मोहम्मद रफ़ी, अब अगर हमसे खुदा भी मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकरी, ये दीवाने की जिद है अपने मोहम्मद रफ़ी, लिख कर तेरा नाम ज़मीन पर मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर। लैला मजनू दो बदन एक जान थे, उस्ताद राजकुमार रिजवी अनुराधा पौडवाल प्रीति सागर, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को लता मंगेशकर। फिल्म के गाने हिट रहे थे, खासकर क्या रेशमी पाजेब की झंकार, तेरे दर पे आया हूँ, बर्बाद मोहब्बत की दुआ और हुस्न हाजिर है। हुस्न हाजिर है बिना का गीत माला की वार्षिक सूची 1977 में भी नंबर एक पर पहुंच गया था। मदन मोहन द्वारा रचित गीत की दुर्लभता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के रिसेप्शन के विषय में। अनेक ग्रोवच 29/16/2005 को हमेशा के लिए मलकाम टेलीग्राम 29/17/2007 को लिया गया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को और जिनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 के हुई है, यह एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित के पुरस्कारों से प्राप्त करता है। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ है और इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ है। इनकी शिक्षा मायो कॉलेज हसवेर में पूरी की गई है। यह व्यवसाय से अभिनेता फिल्म निर्देशक फिल्म निर्माता रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1970 से 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर बेटा रिद्धिमा कपूर शाहनी। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता हैं और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता हैं। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में एक किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिससे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में अपनी पहली भूमिका निभाने के बावजूद उन्होंने लैला मजनू 1976 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशक हरनाम सिंह रेवल ने किया है और इसमें ऋषि कपूर, रंजीता और डैनी डेंजो कपका मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत मदन मोहन और जयदेव ने दिया है। लैला और मजनू की कथा के आधार पर यह 2 स्टार पार प्रेमियों की कहानी बताती है। लैला एक राजकुमारी और कैस उर्फ मजनू एक आम आदमी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं हरमान सिंह रवेली। यह फिल्म आबार अलवी द्वारा लिखित और अंजना इवेल हरमान सिंह रवेल ने भी इसमें अपना हिस्सा लिया है। इस फिल्म के निर्माता
राम ईपू शीरू दरियानी है और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है ऋषि कपूर, रणजीत कौर, डेनी डेंजोगपा। इस फिल्म में छायाकान की है जेपी सिंह ने और यह फिल्म श्याम राजपूत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदमोहन जयदेव ने और यह फिल्म डीलक्स फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 11 नवंबर 1976 जो कि भारत में रिलीज हुई है और इसका कार्यकारी समय 141 मिनट है। यह देशों भारत, पश्चिमी जर्मनी, सोवियत संघ में रिलीज की गई है। इसकी भाषा हिंदुस्तानी है। लैला मजनू ने रंजीता की शुरुआत की। 1976 में रिलीज होने पर इसे फिल्म समीक्षकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म की जबरदस्त सफलता ने ऋषि कपूर की स्थिति को एक बैंकेबल स्टार के रूप में मजबूत किया। बॉबी में अपनी शुरुआत के बाद लैला मजनू ने पहले उन्हें कभी कभी में अपवाद के साथ कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। हालांकि इस फिल्म की सफलता का श्रेय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन को दिया गया है। 1996 में रिलीज होने के बाद लैला मजनू को एक कल्ट क्लासिक के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। लैला और उसका प्रेमी मजनू जिसे कैस के नाम से भी जाना जाता है, यह द्विपदी कुलो अमरी और शारवासियों के लिए पैदा हुए थे। दोनों एक दूसरे को बच्चों की तरह प्यार करते थे। उनका प्यार ऐसा था कि एक को चोट लगी तो दूसरे से खून बहने लगा। फिल्म में बताया गया है कि मदरसे में बच्चों के रूप में मौलवी ने अपनी स्लेट पर अल्लाह का नाम लिखने के लिए कैसे कहते हैं। लैला के ख्यालों में खोई केस और उसकी जगह अपना नाम लिख देती है। बदले में एक नाराज मौलवी उसके हाथ पर बैत मार देता है लेकिन लैला के हाथ से खून निकलने लगता है। इस तरह की घटना जंगल की आग की तरह फैलती है और लैला के पिता अपनी बेटी की प्रतिष्ठा के लिए डरे हुए हैं, उसे स्कूल जाने से रोकने का फैसला करते हैं। दो कबीले के मुखिया अपने बच्चों को अलग अलग करने का फैसला करते हैं क्योंकि उनके लिए यह कल्पना करना असंभव है कि सरवारियों और अमरियों को कभी खून के बजाय प्यार से जोड़ा जाए। कई साल बाद कैश और उसके दोस्त ऊंट खरीदने के लिए लैला के शहर जाते हैं और दोनों प्रेमियों में फिर से मिलने के लिए मंच तैयार है। एक दिन बाजार में वे एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी पहली नज़र का प्यार है उन दोनों के लिए। वे एक दूसरे से गुपचुप तरीके से मिलने लगते हैं फिर से, लेकिन खलनायक लैला के गर्म स्वभाव वाले भाई तब्रेज के रूप में अपनी एंट्री करता है। दूसरे ही उसकी पहचान नहीं जानने के कारण उसका पहले से ही कैश के साथ विवाद हो चुका है। घटनाओं के क्रम में तब्रेज के हाथों कैश के पिता की मृत्यु हो जाती है। कैश बदले में तब्रेज की हत्या करके उसके पिता की हत्या का बदला लेता है। वह शहर से निर्वासित है और टीलों में भटकता है। एक पागल की तरह अपनी प्रिय की एक छलक के लिए प्यासा। इसी बीच लैला की शादी एक राजकुमार बख्श डैनी से हो जाती है। कैश के लिए उसके प्यार को जानकर वह उससे दूरी बनाए रखने का वादा करता है। जब तक कि वह लैला के दिल में मजनू की जगह नहीं ले पाता, उससे पहले के अन्य सभी लोगों की तरह वह लैला और मजनू के लगभग दिव्य प्रेम को समझने में असमर्थ है जब वह करता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के फैंगना के विषय में। मजनू कैस आलमरी के रूप में ऋषि कपूर, लैला के रूप में रंजीत कपूर, डेनी डेंजोंगपा, प्रिंस मागतो के रूप में फिरोज। फिल्म का संगीत मदन मोहन जयदेव ने दिया है जो बोल साहिल लुधियानवी के हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीतों के विषय में। हुस्न हाजिर है जिसकी गायिका है लता मंगेशकरी, तेरे दर पे आया हूँ जिसकी गायक है मोहम्मद रफ़ी, हो के मायूस तेरे दर से मोहम्मद रफ़ी, आसीज नाजान, शंकर संभो, अंबर कुंवर और कोरस। क्या रेशमी पाजेब की झंकार मोहम्मद रफ़ी, लैला मजनू बर्बाद मोहब्बत की दुआ मोहब्बत रफ़ी, अब अगर हमसे खुदा भी मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकरी। ये दीवाने की जिद है अपने मोहम्मद रफ़ी लिख कर तेरा नाम ज़मीन पर, मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर। लैला मजनू दो बदन एक जान थे, उस्ताद राजकुमार रिजवी, अनुराधा पौडवाल, प्रीति सागर।
कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। लता मंगेशकर। फिल्म के गाने हिट रहे थे, खासकर क्या रेशमी पाजेब की जंकार, तेरे दर पे आया हूँ बर्बादे मोहब्बत की दुआ और हुस्न हाजिर है। हुस्न हाजिर है बिना का गीत माला की वार्षिक सूची 1977 में भी नंबर एक पर पहुंच गया था। मदन मोहन द्वारा रचित गीत की दुर्लभता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के रिसेप्शंस के विषय में। अनेक ग्रोवचेस 29 जुलाई 2005 को हमेशा के लिए मलकाम टेलीग्राम 29 अप्रैल 2007 को लिया गया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को और जिनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 के हुई है, यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित के पुरस्कारों से प्राप्त करता है। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ है और इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ है। इनकी शिक्षा मायो कॉलेज हसवेर में पूरी की गई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1970 से 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर बेटा, रिद्धिमा कपूर शाहनी। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता हैं और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता हैं। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में एक किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में अपनी पहली लैला मजनू 1976 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक हरनाम सिंह रेवल ने किया है और इसमें ऋषि कपूर, रंजीता और डैनी डेंजो कपगा मुख्य भूमिका में है। फिल्म का संगीत मदन मोहन और जयदेव ने दिया है। लैला और मजनू की कथा के आधार पर यह 2 स्टार पार प्रेमियों की कहानी बताती है। लैला एक राजकुमारी और कैस उर्फ मजनू एक आम आदमी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं हरमान सिंह रवेली। यह फिल्म आबार अलवी द्वारा लिखित और अंजना इवेल, हरमान सिंह रवेल ने भी इसमें अपना हिस्सा लिया है। इस फिल्म के निर्माता राम ईपू शीरू दरियानी हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है ऋषि कपूर, रंजीत कौर, डेनी डेंजोगपा। इस फिल्म में छायाकान की है जेपी सिंह ने और यह फिल्म श्याम राजपूत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है मदन मोहन जयदेव ने और यह फिल्म डीलक्स फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 11 नवंबर 1976 जो कि भारत में रिलीज हुई है और इसका कार्यकारी समय 141 मिनट है। यह देशों भारत, पश्चिमी जर्मनी, सोवियत संघ में रिलीज की गई है। इसकी भाषा हिंदुस्तानी है। लैला मजनू ने रंजीता की शुरुआत की। 1976 में रिलीज होने पर इसे फिल्म समीक्षकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म की जबरदस्त सफलता ने ऋषि कपूर की स्थिति को एक बैंकेबल स्टार के रूप में मजबूत किया। बॉबी में अपनी शुरुआत के बाद लैला मजनू ने पहले उन्हें कभी कभी में अपवाद के साथ कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। हालांकि इस फिल्म की सफलता का श्रेय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन को दिया गया है। 1996 में रिलीज होने के बाद लैला मजनू को एक कल्ट क्लासिक के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। लैला और उसका प्रेमी मजनू, जिसे कैस के नाम से भी जाना जाता है, यह द्विपदी कुलो अमरी और शारवासियों के लिए पैदा हुए थे। दोनों एक दूसरे को बच्चों की तरह प्यार करते थे। उनका प्यार ऐसा था कि एक को चोट लगी तो दूसरे से खून बहने लगा।
फिल्म में बताया गया है कि मदरसे में बच्चों के रूप में मौलवी उन्हें अपनी स्लेट पर अल्लाह का नाम लिखने के लिए कैसे कहते हैं। लैला के ख्यालों में खोई केस और उसकी जगह अपना नाम लिख देती है। बदले में एक नाराज मौलवी उसके हाथ पर बैत मार देता है, लेकिन लैला के हाथ से खून निकलने लगता है। इस तरह की घटनाएं जंगल की आग की तरह फैलती है और लैला के पिता अपनी बेटी की प्रतिष्ठा के लिए डरे हुए हैं, उसे स्कूल जाने से रोकने का फैसला करते हैं। दो कबीले के मुखिया अपने बच्चों को अलग अलग करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके लिए यह कल्पना करना असंभव है कि सरवारियों और अमरियों को कभी खून के बजाय प्यार से जोड़ा जाए। कई साल बाद कैशो उसके दोस्त ऊँट खरीदने के लिए लैला के शहर जाते हैं और दोनों प्रेमियों में फिर से मिलने के लिए मंच तैयार है। एक दिन बाजार में वे एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी पहली नज़र का प्यार है।